हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में ऊना से विजयी जिला परिषद सदस्य ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान सभी 17 जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। इन सदस्यों को डीएम ऊना ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण करने के बाद राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सदस्यों से सरकार की योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से लोगों तक ले जाने की आशा व्यक्त की, जबकि विजयी जिला परिषद सदस्यों ने जीत के लिए अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं जिला परिषद सदस्य कमल सैनी ने चुनावों से पूर्व नेता विपक्ष की अमर्यादित टिप्पणी और अभद्र भाषा पर कटाक्ष किया और बड़े अंतर से अपनी जीत को जनता द्वारा नेता विपक्ष को दिया जवाब बताया। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अमर्यादित भाषा बोलते थे उनको जनता ने जवाब दिया है। आज हरोली में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट दिया, चाहे वो बीडीसी में हो चाहे जिला परिषद में हो, आज लोगों ने जो नकारात्मक भाषा बोले, नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, उनको नकारा है। आज वो गुस्से में अपने LCD तोड़ रहे हैं, टेलीविजन तोड़ रहे हैं। अब उनको मूछ पाने के लिए जगह नहीं मिल रही। जो लोगों में समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज उनको राजनीति में चलता करता है। मैं ललड़ी जिला परिषद के हर मतदाता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सहयोग आशीर्वाद दिया। और चुनावों के समय भी उन्होंने नकारात्मक प्रचार किया और समाज को बांटने की बात की। आज मैं धन्यवाद करता हूं हर मतदाता का जिन्होंने जो समाज को बांटने और नकारात्मक भाषा का प्रयोग करने वालों को नकारा है, और जो विकास की राजनीति करते हैं, लोगों को विश्वास की राजनीति करते हैं, उनको स्वीकारा है। सर प्राथमिकता क्या रहेगी? हर एक लड़ी अपने क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता रहेगी, और लोगों युवाओं के लिए रोजगार के लिए मैं प्रयास करूंगा, और जो सरकार की लाभकारी स्कीमें हैं उनको जन जन तक पहुंचाना मेरे प्राथमिकता रहेंगी। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद की थी आपने, लोगों जो का मार्जन आपने हासिल किया? ये लोगों का प्यार सहयोग आशीर्वाद है। हमने तो कर्म किया है, वो परमपिता परमात्मा ही करने वाला है, और लोगों के सहयोग आशीर्वाद से ये कामयाबी मिली है। आज नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। जिला की जनता ने 17 लोगों के जिम्मे अपने अपने जिला परिषद के बाढ़ का सौभाग्य उनको सेवा करने का प्रदान किया है, तो मैं उन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो सब लोग अच्छा काम करें, और 5 वर्ष पूरा करने के बाद उनको आत्मसंतुष्टि हो कि हम सब लोगों ने अच्छा काम किया। प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं यही लोग लेकर के पंचायतों तक जाएंगे। जिस स्थान पर आज इनकी शपथ हुई है उसी स्थान के ऊपर जिला के अलग अलग स्कीम्स की योजनाएं जो लोग बनाएंगे, और मुझे विश्वास है कि जो जिला परिषद के सभी 17 सदस्य अच्छा काम करेंगे, अपनी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके जनता की सेवा करेंगे, और जनता को भी अच्छा लगेगा जब ये सबके साथ निष्पक्ष होकर के काम करेंगे। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।